वेलकम फ्रेंड्स इन अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई ब्रेड रोल। हाँ दोस्तों, मलाई ब्रेड रोल जो कि बहुत ही टेस्टी एंड यमी है और आपको देखने में बहुत ही यमी लग रहा होगा। तो देरी किस बात की, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मलाई ब्रेड रोल बनाने सबसे पहले हमें चाहिए होंगी ब्रेड के पीसेस। यहाँ पर मैंने 6 पीसेस ले लिए हैं और ये फ्रेश मलाई ली है मैंने एक बाउल भर के, और ये मैंने रबड़ी ले ली है एक बाउल भर के। रबड़ी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी इसलिए मैंने बड़ा बाउल लिया है। और ये मैंने पिस्ता ले लिए हैं बारीक कटे हुए, और ये मैंने थोड़ी सी चिरौंजी ले ली हैं, और ये खरबूजे के बीज हुए हैं वो मैंने छिले हुए ले लिए हैं, और ये बादाम किसके रख दिया ग्रेट करके। ये हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा। अब सबसे पहले हमने जो ब्रेड के पीसेस लिए थे ना उसको साइड से पहले काट देंगे, जैसे कि वो ब्राउन ब्राउन आता है ना वो मैं ये काट रही हूँ, आप देख सकते ऐसे ही हमने सारे ब्रेड ये करके काट लिए थे। और जो उसका जो हमने ब्राउन ब्राउन निकाल के रखा था ना वो अलग से ही रख दिया है, क्योंकि हम उसको अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग कर देंगे और ये अलग कर देंगे। देखिए ये वाइट वाइट शीट हमने निकाल लिया ब्रेड की। अब इसको हम ना बेलन से हल्के हाथों से बेलेंगे, जैसे कि ये टूटे ना, बिल्कुल पतली सी शीट बना लेनी है हमें। देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे ये बेला जा रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में, देखिए पतली शीट बन चुकी है। अभी बेलने के बाद फिर हमने इसके ऊपर रबड़ी लगा दी, आपको दिखाई थी मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में, रबड़ी ली थी हमने वो लगा दी है। पूरी लगाने के बाद, कवर करने के बाद इसको हम रोल रोल करके रोल कर लेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही। रोल करने के बाद फिर मैंने एक ट्रे ले ली है, आप कोई सी भी ट्रे ले सकते हैं, मैंने एक ट्रे ले ली बड़ी सी, उसमें ऐसी हमने बना बना के रख दी है। देखिए ऐसी सारी हमने बना के रख दी हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे फ्रेश मलाई, जो हमने आपको दिखाई थी ना छोटे से बाउल में रखी थी हमने वही मलाई, इसको अच्छे से ऊपर पूरे कवर कर लेंगे मलाई। अब मलाई लगाने के बाद दोस्तों हमने जो आपको स्टार्टिंग में मेवा दिखाई थी ना, पिस्ता, चिरौंजी, खरबूजे के बीज और बादाम के, उससे ऊपर गार्निशिंग कर देंगे सब के ऊपर अच्छे से। देखिए दोस्तों इस पर गार्निशिंग भी होगी और कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। अब हमें दोस्तों एक सेकंड स्टेप अब ये करना है हमें, अब ये ट्रे को पूरी हमें फ्रीज में रख देना है 2 घंटे के लिए। चलो दोस्तों फ्रीज में रख देते हैं ट्रे। तो दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने इस ट्रे को फ्रीज में से निकाल दिया है और ये जो हमारी मलाई ब्रेड रोल हैं वो भी सेट हो चुके हैं। देखिए आपको मैं कैमरे के पास ला के दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। और इसको अभी तोड़ेंगे ना इतने सॉफ्ट हैं हाल, मतलब मुंह में डालते हैं ना घुल जाते हैं, आप देखिएगा जब ये तोड़े जाएंगे। देखिए इसका पीस इतना सॉफ्ट लग रहा है और टेस्टी बहुत ही था दोस्तों। तो आप बताइएगा आपने ये रेसिपी ट्राई करी कि नहीं करी, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर आप मेरे नए चैनल पर भी नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।